एक दूजे के वास्ते। क्यों जवान, कैसे हो? खुश हो सर। गुड, पर डॉक्टर ने धीमे चलने की परमिशन दी है। हड़बड़ी नहीं, वरना चोट लग जाएगी। आपके रहते हुए चोट? बचपन में साइकिल सिखाते हुए आप बोलते थे खुद चलाओ, और गिरने से ठीक पहले संभाल लेते थे। भाई, बाप की तीसरी नजर हमेशा बच्चों पे रहती है। तुम भी तो ऐसे ही करते हो बच्चों के साथ। आप इसे सीखा है, आज भी सीख रहा हूं। आपके जैसा बनना है पापा। शाबाश। पापा, देवराज से कोई बात हुई आपकी? मतलब वो खाने पर आए थे, पर उसके बाद तो नहीं। क्यों? नहीं, मुझे लगा उस दिन वो बिना बताए चले गए थे, तो शायद सॉरी बोल रहा हूँ इसलिए। अब मैंने समझाया ना, उनके लिए ये सब करना बड़ी बात नहीं है, वो हमसे अलग है। इतने अलग? जी अलग अलग ही चल रहे हैं, तो फिर साथ में सैर करने का मतलब क्या हुआ? हाय, सारा वजन आज ही घटा लोगे क्या? अच्छा रुक जाओ। ओहो, मुझे मोटी मोटी हो रही है, उसे भी साथ ले लो। वोटी को मोटी होने की फिक्र है तो रोटी कम खाए ना, मेरी जान खाने का तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ है जी, बड़े रुखे हो आप। हाँ सच्ची जी, मैं कह रही थी कि ना वो विजय जी कह ही रहे हैं साइन करने के लिए, तो फिर करवा लो, आपको आगे मना थोड़ा करेंगे। फिर अगली बार मिलूंगा तो बोलूंगा उनको। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग कर्नल। मॉर्निंग। मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब। गुड मॉर्निंग। ऐसा क्या काम आ गया था कि उस दिन बिना बताए चले गए? हाँ, वो बहुत ही जरूरी काम आ गया था जो मुझे उसी समय अटेंड करना था, तो मैं चाहते हुए भी नहीं रुक पाया, निकलना ही पड़ा। वेस्ट डील भी अब जोर पकड़ रही होगी। हाँ, काम काफी बढ़ गया होगा इन्हों। हाँ, वो एक्चुअली उसी सिलसिले में कुछ काम आ गया था, इसीलिए निकलना पड़ा। उस दिन क्या बात करना चाह रहे थे? हाँ, वो मैं माफी तो तुम मांगोगे, क्योंकि तुम्हें जरूरत है उसकी डील में। तुम किसी लायक नहीं हो, ना दोस्ती के लायक हो, और मेरा बेटा विजय उसकी दोस्ती के लायक तो बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली फिर कभी कर लेंगे कर्नल साहब। एक्चुअली अभी है टाइम नहीं है मेरे पास, एक जरूरी मीटिंग के लिए भी जाना है, और मैं यहाँ अटक गया हूँ, मैं चलता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। देवराज, देवराज तुम्हें पापा से कुछ नहीं कहना है? नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। वैसे भी कुछ करने और सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, एक्सक्यूज मी प्लीज। सुनिए, आपको मुझसे मिलना होगा तो फोन करके आइएगा, पता नहीं मेरे पास भी टाइम होगा या नहीं होगा। पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। जा प्लीज बना देना सुमन, इतने अब तुझे तूने कुछ नहीं बनाया है। बच्चों जैसे मत कर कंचा, पढ़ना है मुझे, टाइम टेबल सेट है मेरा, एग्जाम्स आने वाले हैं। अरे पर तूने बोला था ना कि तू एक घंटा निकालेगी, और इसमें तो सिर्फ आधा घंटा लगता है। हम तेरे बेस्ट फ्रेंड श्रवण को बढ़िया से सरप्राइज देंगे, और फिर वो कल रात वाली बात भी तो बतानी है ना, तो ऐसे बता देना। और श्रवण को सरप्राइज क्यों, ये तो बिना बात के जिद करने वाली बात हो गई। अरे इसी बहाने तेरे नए नए बेस्ट फ्रेंड को पता चलेगा कि तू तो कितनी अच्छी कुक है, और मुझे यम्मी यम्मी खाना खाने को मिलेगा। तू तो अपने बेस्ट फ्रेंड और बहन के लिए इतना नहीं कर सकती, प्लीज बना देना, मैं भी हेल्प करूंगी। ठीक है। ठीक कैसे है भाई साहब? 50 लाख रुपए देना आपको ठीक लग रहा है?
कोई तो वजह होगी कि विजय भाई साहब ने साइन नहीं किए, और आपको लगता है आप बिना बताए यहां से जा सकते हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है जिसके फैसले मैं खुद लेता हूँ। अरे आपको आपके फैसले लेने से कौन रोक रहा है? मैं बस वजह जानना चाहता हूँ, और ये हक है मेरा। हक की बड़ी बातें बोलनी आ रही हैं तुझे? फर्ज नहीं समझ आते? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी शुरुआत तेरी वजह से हुई है। क्या हो गया भाई? क्या हो गया जी, जो होना था हो चुका है जी। फालतू की बातें कर रहा है। अरे ये क्या है? हाँ, ये एक और नोटिस? नहीं, ये पुराना ही वाला नोटिस है। वो सोसाइटी ऑफिस से आया था ना कि अगर एक और गलती हुई तो हमें हमारे मोहल्ले से ही निकाल देंगे। ये सोसाइटी ऑफिस ने नहीं भेजा है, ब्रिगेडियर तिवारी ने भेजा होगा। वही है जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता हम यहाँ हैं। पर ये हमारा घर है, और हम यहाँ रहे जाए रुके हमारा फैसला होगा। बस फिलहाल इन पछड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं आती। सॉरी भाई साहब, इस बार तो इस पछड़े में हमें पड़ना पड़ेगा। वो क्या है ना, हम आपकी तरह भोले नहीं है। वो लोग हमें हमारे घर से निकालना चाहते थे ना, आप देखना हम उनके घर के साथ क्या क्या करते हैं। ओ मिया, वो सिर्फ सर पिराई देने आ रही है, कोई सगुन का थाल पछाने नहीं। अरे किरत देखो खुद को, बस सहरे की कमी है सर पे। बे बंटी, शगुन का थाल भी तो तभी आएगा ना जब सूमो मानेगी, और सूमो भी तो तभी मानेगी ना जब तेरा भाई हर वक्त टिप टॉप लगेगा। अरे तुम लोग ही हैं इस वक्त? धीरे धीरे आए शाम, ऊपर कमरे में बुला के लाता हूँ। चाहिए सेकंड सेकंड। हाँ कैसे भी उसके लिए सरप्राइज है, उसे बताना नहीं कि हम आए। ओके ओके, तुम लोग अंदर बैठो ना, यहाँ क्या कर रही हो? आजा। वेलकम। अरे यहाँ बैठिए कंचन जी। श्रवण, ओ श्रवण मिया, तुम्हारे पापा मिया के ऑफिस से ना कोई मैनेजर आया है कागजात लेके, सुन रही हो ना? अबे बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल आए। अरे मिया जीरा जरूरी काम है, अर्जेंट है, आज ही जरा नीचे जल्दी। बोल दे कि श्रवण निकम्मा है, कल जब पापा घर पे हो तब आए। ओ तुम दोनों यहाँ? हाय, कौन से जरूरी काम के लिए जा रहे हो निकम्मे श्रवण? कुछ नहीं यार, ऐवें टपरी मारने जा रहा हूँ। अरे इट्स ओके, तुम जाओ, हम बाद में आते हैं। नहीं, मुझे लगा कि मैनेजर अंकल आए तू। अरे पर तुम ही तो कह रहे थे कि बाकी सारे कामों से जरूरी ये काम है। एग्जैक्टली, तो तुम करो, फॉर्मेलिटी वाली बात थोड़ी ना है। पर वो क्या है ना कि मुझे लगा कि पापा के ऑफिस से कोई आया तो काम से बचने के लिए बहाना मार रहा था। तुम बैठो ना, खड़े क्यों, बैठो। सारे दिलचस्पी ऐसी की जो चूज की है। श्रवण प्लीज पानी पिला दोगे? ठंडा की सादा नॉर्मल? ठीक है अभी लाते। देखा तूने, प्रॉपरली तैयार होके जा रहा था, पर हमारे लिए एक्चुअली तेरे लिए सारे काम छोड़ के रुक गया। उसने बोला तो इतना जरूरी काम नहीं होगा कंचा। तू ना थोड़ी देर रुक जा। कंचन जी नॉर्मल। थैंक यू। ये क्या शगुन का ताला है मेरे लिए? नहीं नहीं, ये तो सरी पिराई है तुम्हारे लिए। यस, मैंने सोचा कि अब तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन ही गए हो तो बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, साथ में मिलके लंच करते हैं, और हम सुमन की स्पेशल बनाई हुई डिश भी लाए हैं। वाओ यार, थैंक सुमो, तुम्हें पता घर में मैं कितना अकेला फील कर रहा था, तुम आ गई तो अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम आ गई
मैं नहीं नहीं मेरा मतलब तुम दोनों आ गए क्यों बंटी? सवालों के तीर कुछ तो चाहती है जे और मेरा बोला श्रवण समझ ही नहीं पा बंटी जी हाँ जी आई मीन बंटी सरप्राइज खोले मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा टेस्ट करने से पहले ऐसी शक्ल नहीं नहीं ये तुम्हारी एक्साइटमेंट वाली शक्ल है बहुत पसंद है मुझे नूडल्स लव नूडल्स नहीं इसमें तो मशरूम है हाँ तो कितने टेस्टी लग रहे हैं ना ये सब तुम अकेला ही खा जाऊंगा मैंने मशरूम सॉस में बनाए हैं बताया था कि मशरूम से श्रवण को एलर्जी है फिर भी चल क्यों रहेगा इस चारू लड़की के दिमाग में अगर नहीं पसंद तो बोल सकते हो श्रवण अरे थोड़ा कम पसंद है तो क्या हुआ सुमन ने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने हाथों से इतने प्यार से बनाया तो खा लेगा श्रवण है ना अरे कंचन जी पिराबलम पसंदगी की नहीं है पिराबलम मम्मा वाले खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है बंटी रात को खा लेंगे अब तुमने इतने प्यार से बनाया तो आज तो यही खाऊंगा मैं कैसे लगे वर्ल्ड क्लास इतने टेस्टी नूडल्स मैंने कभी खाए नहीं पहले अमेजिंग यार मियां मुंह में ठूसो और डस्टबिन में थूको तुम्हारे लिए रास्ता हाँ मैं संभाल लूंगा क्या संभाल लोगे वही मम्मा का खाना संभाल के फ्रिज में रख दूंगा बेचारा बड़ा डरता है मेरी मम्मी से हाउ स्वीट बंटी जी क्या बनाया है अमेजिंग यार बहुत अच्छा है क्या हुआ श्रवण तुम ठीक तो ऑफ कोर्स तुम्हारी आवाज अचानक से क्या हुआ इतना टेस्टी खाना तो ज्यादा खा लिया गले में टक रहा है मतलब जैसे वही सब पानी पानी से कुछ नहीं हो ना मैं एक मिनट वॉशरूम से आता हूँ ना मैं दो मिनट वॉशरूम से आता हूँ अचानक से इन दोनों को क्या हो गया पैसे तो नहीं बने बने तो ठीक है आज या तो ये एलर्जी तुम्हारी जान ले लेगी या तो तुम्हारी बेवकूफी के लिए हम तुम्हारी जान ले लेंगे यार प्यार से बनाया था सुमो ने क्या करता बड़े अजीब आशिक हो तुम तो तुम्हारे प्यार की अग्नि परीक्षा हमेशा खाने पे आके क्यों अटकती है पहले जब पानी पूरी और अभी मासूम क्योंकि सुमो को पाने के लिए ये सब बातें बहुत छोटी हैं। प्यार करता हूँ उससे कुछ भी सहन कर सकता हूँ उसके लिए तो कैसे सब कुछ चुपचाप सह गया देखा तूने हाँ हाथों में खुजली हो रही थी गले से आवाज नहीं निकल रही थी फिर भी तेरे बनाए हुए नूडल्स खाता जा रहा था बोला तो उसने कंचा कि गले में खाना अटक गया था इसलिए आवाज ऐसी थी और नूडल्स से खुजली का क्या मतलब अरे मतलब ये है कि श्रवण को मशरूम से एलर्जी है क्या एलर्जी
तुझे ये बात पता थी कैसी बेवकूफी है? उसे सीरियस रिएक्शन हो सकता था और क्या मनवाना था? कैसी स्टूपिडिटी है ये? स्टूपिडिटी ये है कि वो एलर्जिक है, पर फिर भी तेरे हाथ के प्यार से बनाए हुए नूडल्स को वो मना नहीं कर पाया। तू दुखी ना हो, इसीलिए वो तकलीफ सह गया। तू क्या बोल रही है कंचन? वो दोस्त है मेरा। और नहीं सुमन, दोस्ती के लिए लोग इस हद तक नहीं जाते हैं। मेरी प्यारी सी भोली सी बहन प्यार करता है श्रवण तुझसे। बताना ही नीचे तो उस कंचा चीना को तूने बताया कंचा मशरूम के बारे में क्यों? वो बोली कि सुमन को सरप्राइज देना है तुम्हें, तो हमको लगा कि तुम खुश हो जियोगे। सुमो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी या मेरे मजे लेना चाहती थी? जानबूझ के मुझे मशरूम क्यों खिलाया यार? कांचा जी को शक हो गया। मेरे शक पर इतना ही शक है ना, तो चल ना देखते हैं कि उसके रूम में क्या चल रहा है। चल। अगर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना था तो बता देते, हम घर चले जाते। नहीं नहीं, हम दोनों तो कुछ प्लान कर रहे थे। वो क्यों बंटी? हाँ देख, तेरी एक साल पुरानी टॉवर यहाँ कीमती इनाम बन के रखी है। चुप कर। अचानक से क्या प्लान कर रहे थे? सब कुछ ठीक है ना? हाँ श्रवण, सब ठीक तो है। बंटी लगता है सच बोलना पड़ेगा यार। सच बता दूं क्या? सुमो को तो वैसे भी झूठ पसंद नहीं है यार, सच ही बोलना पड़ेगा। वो सच ये है ना कि सुमन, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इतना क्या सोच रहे हो? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अभी अभी तो बेस्ट फ्रेंड बने हैं, कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर मेरी डेट है। डेट? डेट? एक मिनट, मुझसे ज्यादा डेट जरूरी मतलब? मतलब तुम दोनों जब यहाँ आई ना तो मैं डेट के लिए निकल रहा था, पर रुक गया क्योंकि डेट शेट तो आती जाती रहेंगी, पर हम दोनों तो पूरी लाइफ के लिए ना। नहीं मतलब हमारी दोस्ती पूरी लाइफ के लिए ना। एग्जैक्टली, दोस्ती तो लाइफ के लिए है, और दोस्त कहाँ भागे जा रहे हैं, इसलिए तुम जाओ अब। हाँ ओ भाई भाई भाई, इस पे बनाओ पिक्चर चालू नंबर वन। चल एक सेकंड, बाद में तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ ओके बिल्कुल। हाँ मतलब तबीयत खराब थी, कैसे? नूडल्स की वजह से, राइट? बिकॉज नूडल्स में मशरूम थे और तुम्हें मशरूम से एलर्जी है। बोलो। एलर्जी मुझे? नहीं तो मतलब मशरूम थोड़ा कम पसंद है, पर तुमने इतनी अच्छी डिश बनाई ना आज कि मेरी तो सोच ही बदल गई पूरी। तो फिर तबीयत कैसे खराब हुई थी? सच बोल तो दिया यार, वो डेट के बारे में छुपा के ना तुमसे बेचैनी से हो रही थी यार बहुत। अच्छा जी, तो ये दवाई शायद तुमने बेचने के लिए रखी होगी, नहीं? बुड्ढा थोड़े ना हूं,
कि जरा सी बेचैनी और दवाई गटक ली, ये तो बंटी के लिए है। क्या है ना, बेचारे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। उठ मत मेरे भाई, कोई बात नहीं, पड़ोसी इनसे क्या छुपाना। ये सब ठीक, इसीलिए बोलता बंटी कम खाया कर, ठीक है ना। आप घर चले। एंड सुमन, आई एम रियली सॉरी यार, वो खाना भी अच्छे से पूरा नहीं हुआ, तुम तो जानती हो ना कि मुझे। इट्स ओके श्रवण, आई अंडरस्टैंड, तुम अभी जाओ, आई विल सी यू लेटर। हाँ तू चल अब। कंधे फंस गए यार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.